हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीआर चैनल पे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखा। तो दोस्तों ग्लोब एक पृथ्वी की प्रतिकृति होती है, एक नमूना होता है एक पृथ्वी का, जिसे हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। तो आज हम जैसे कि चैप्टर है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो दोस्तों ये पृथ्वी का एक ग्लोब है और इसमें जो ये रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं, मान के चल रहे काल्पनिक रेखाएं हैं। तो कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, तो दोस्तों ये ऊपर है हमारा नॉर्थ पोल, ये नीचे साउथ पोल, और जो बीच में जीरो डिग्री, जो ये जीरो डिग्री वाली रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और एक जिसमें इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, कौन सी, जीरो डिग्री हमारी भूमध्य रेखा। अगर क्वेश्चन आएगा पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी काल्पनिक रेखा बांटती है, तो जीरो डिग्री रेखा भी बोल सकते हैं हम, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा उसी को बोलते हैं इक्वेटर लाइन। तो दोस्तों ये जो इस तरीके से जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही है रेखाएं, इनको बोलते हैं हम देशांतर रेखाएं, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। और जो ये पूरब से पश्चिम को पैरेलल रेखाएं हैं, ये है हमारी अक्षांश रेखाएं, इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड अक्षांश बोलते हैं इनको। तो ये अक्षांश रेखाएं हैं, जिस प्रकार से हमने देखो जीरो डिग्री को भूमध्य रेखा बोलेंगे, जीरो डिग्री से ठीक ऊपर जो रेखा है वो 23.5 डिग्री पे, उसको हम जो नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ में इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, कैंसर लाइन, और उससे ऊपर जो लाइन है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ पे ये रेखा होती है, इसको हम आर्कटिक रेखा बोलते हैं। और जीरो डिग्री के ठीक नीचे जो 23.5 डिग्री साउथ में दक्षिण में जो रेखा है, इस रेखा को हम मकर लाइन बोलते हैं, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और उसके नीचे जो 66.5 डिग्री साउथ में जो रेखा है उसको एंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। इस प्रकार से ये हमारी जो है ये अक्षांश रेखाएं हैं, क्या है ये अक्षांश रेखाएं, और जीरो डिग्री से जहां जो है ऊपर के हिस्सों को हम क्या बोलेंगे, इसको इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और इस वाले हिस्से को जो आधा हिस्सा जीरो डिग्री लाइन जो दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांट रही है, नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये जो हमारी ये है जो अक्षांश रेखाएं, इनके बीच जो है इक्वल डिस्टेंस रहती है और दूरी हो जाती है, वो दूरी कितनी रहती है प्रत्येक के बीच, 111 किलोमीटर प्रत्येक रेखा के बीच जो है निश्चित जो है बराबर दूरी रहती है। तो अब क्या होता है बच्चों कि जो अब हम बोलेंगे कि उत्तरी गोलार्ध, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, आधा जीरो डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। 21 जून को क्या होता है कि सीधे सूर्य की किरणें जो है इस पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पे पड़ती हैं, और जहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलेगा वहां क्या होगी, ज्यादा गर्मी होगी, और नीचे जो ये साउथ, ये जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ क्या होगा, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे यहाँ जो है ठंडा होता है और यहाँ दिन छोटा और रात बड़ी होती है, और यहाँ क्या होगा दिन बड़ा और रातें छोटी होंगी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि फिर जो है सूर्य जब यहाँ आता है, सूर्य जब हमारे जीरो डिग्री भूमध्य रेखा पे आता है तो सूर्य की किरणें जो है यहाँ पर जाती है सीधी। तो क्या होता है जब, तो दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, पूरा पूरा जो है प्रकाश पूरा पूरा जाएगा, सूर्य की किरणें बराबर पड़ेंगी, तो दोनों हेमिस्फीयर में या दोनों गोलार्ध में क्या होगा, 12 घंटे की और रात और 12 घंटे का दिन होगा, यानी कि दोनों गोलार्ध में बराबर दिन और बराबर रातें होंगी। फिर क्या आता है, भूमध्य रेखा से जो है सूर्य जब इसमें आता है मकर रेखा पे, मकर रेखा पे क्या आता है, सबसे बड़ा दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, ठीक 3 महीने बाद जो है, 3 महीने बाद जो है 22 सितंबर को यहाँ आ जाएगा, 22 सितंबर को 3 महीने बाद, और यहाँ भूमध्य रेखा से 3 महीने बाद 22 दिसंबर को यहाँ मकर रेखा में, हमारे यहाँ जो उत्तरायणी मेला उत्तरायणी पर्व भी मनाया जाता है, जब सूर्य जो है मकर रेखा में प्रवेश करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं उत्तरायणी पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में।
तो यहाँ से जब सूर्य जो है जब मकर रेखा में प्रवेश करता है 22 दिसंबर को, तो यहाँ सबसे बड़ा दिन हो जाता है, यहाँ सूर्य का प्रकाश पूरा पूरा मिलेगा, तो यहाँ गर्मी होगी और यहाँ जो हमारे जो है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें क्या पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी, तो यहाँ जो है ठंड ज्यादा होगी और जो है ठंड ज्यादा होगी और जो है दिन छोटा होगा, रातें बड़ी होंगी। इस प्रकार से जो ये होती है ये अक्षांश रेखाएं जो हमने बोली, अक्षांश रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम को समानांतर जा रही है, तो ये इस प्रकार से क्या होती है 0° से 90 तक क्या होती है 90 यहाँ होती है। तो इनको हम जो है हमने देखो ये लिख रखा है मैंने 90, और कितनी होती है अक्षांश रेखाएं कितनी होती है हमारी, अक्षांश रेखाएं टोटल ग्रुप पे अक्षांश रेखाएं कितनी होती है 90 यहाँ होती है, 90 यहाँ, 180, और जो ये बीच की 0° वाली है जो भूमध्य रेखा इसको भी हम काउंट करते हैं, तो इस प्रकार से 181 जो है अक्षांश रेखाएं होती है। कभी कभी जो है परीक्षा में जो है 181 न दे के 180 ऑप्शन दिया जाता है, तो वो भी सही माना जाता है, क्योंकि ये भी हमारी एक लाइन एक रेखा है, तो इसको भी ये भी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा, तो इसको भी हम यहाँ गिनती कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा दोस्तों आज अक्षांश और देशांतर, अक्षांश रेखाएं और उनके बारे में, ये सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन का पर्व होता है दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के बारे में। दूसरा वीडियो हम देशांतर रेखा के बारे में लेके आएंगे। धन्यवाद।